नमस्कार जी, मेरा नाम है कुणाल और आज आपके समक्ष है शाक्शुका। शाक्शुका एक इंटरनेशनल फेवरेट डिश है और हिंदुस्तान में भी अलग अलग कैफेज में मिलती है। कई लोग इसे ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं और कई लोग एनी टाइम ऑफ द डे इसे खाते हैं। पकाने में ये काफी सिंपल है। मेन इंग्रेडिएंट इसके तीन हैं, अंडा, टमाटर और कैप्सिकम। ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल भी है। तो इसे आज हम तैयार करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। शुरू करते हैं बेहद सिंपल बेहद टेस्टी शाक्शुका। अब देखिए, शाक्शुका जो है ना वो वन पॉट डिश है या वन पैन डिश है, यूं कह लीजिए। मतलब एक ही पैन में पकती है और उसी के अंदर ये सर्व करी जाती है। मैं ले रहा हूँ अनियंस और इसे डाइस कर रहा हूँ। फाइन चॉप नहीं करना, डाइस करना है, क्योंकि ये एग की एक डिश है जिसे हम पोच करते हैं टोमेटो की एक सॉस में, तो ब्रेकफास्ट में बढ़िया लगती है, लेकिन शाम के वक्त भी इसे आप खा सकते हैं, किसी ने रोका थोड़ी ना। और देखिए, जिनको कुकिंग से इम्प्रेस करना है किसी दूसरे को, स्पेशली दिस इज़ फॉर मैन हु वांट टू इम्प्रेस वुमेन, शाक्शुका बनाइए, बढ़िया इम्प्रेशन आएगा आपका। अनियन डाइस हो गया, अब लेंगे जी पेपर। पेपर को भी अलग अलग कर लेंगे। हालांकि जो शाक्शुका जाता है नॉर्मली उसके अंदर क्या करते हैं, वो लाल वाला पेपर इस्तेमाल होता है, कैप्सिकम हमें मिला नहीं तो हमने हरा इस्तेमाल कर लिया। वो कहते हैं ना, बड़ी फेमस सेइंग है कि फ़र्क पड़ता है भाई, खाने और रेसिपी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन शाक्शुका एक ऐसी डिश है जिसके अलग अलग वेरिएशन हैं, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएशन नहीं है, इसलिए वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट जी, पेपर्स को भी देखिए कितने मोटे मोटे डाइसेस में काट रहा हूँ इसके। ये एक रस्टिक चंकी डिश है। चंकी मतलब चंकी पांडे नहीं बनाई है, चंकी मतलब चंक्स है इसमें खाने के, मतलब इंग्रेडिएंट्स के ये चंक्स हो गया जी। अब चलते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर के भी बड़े बड़े चंक्स। ऑलराइट, डाइस टमाटर भी तैयार। अब जी पैन लेना जी, अवेलेबल। अगर आप इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए बना रहे तो एक छोटा पैन भी आप ले सकते हैं। अगर आप तीन चार लोगों को एक बड़े पैन में सर्व करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पैन आप ले सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका अगर आप मैप में देखेंगे ना तो वो मेडिटेरेनियन रीजन के बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब वो मेडिटेरेनियन रीजन में आ जाता है। तो वहाँ पर जो कुकिंग मीडियम है यूजुअली गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल होता है, इसलिए ऑलिव ऑयल, अगर नहीं है तो रेगुलर ऑयल भी चलेगा। अब ऑयल के अंदर थोड़ा सा चॉप गार्लिक, थोड़ा सा चॉप जिंजर, नाइस, हल्का सा इसे कुक होने देना, ब्रीथ करने देना 30 सेकंड्स के लिए, ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर जाएगा हमारा अनियन, कैप्सिकम एंड टोमेटो, तीनों एक साथ, हल्की सी हरी मिर्च। ना सिंपली हाई हीट पर इसे हम टॉस करेंगे। ये देखिए, किसी भी वक्त हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, हल्का ही पकाना है, उसमें बाइट रहनी चाहिए और जिस तरीके से ये डाइसेस हैं चंक्स, ये मौजूद होने जरूरी है। परफेक्ट। ना जब तक सब्जियां हमारी थोड़ी सी पक रही हैं, हम बनाएंगे ताज़े टमाटर की प्यूरी। कैंड आप डाल सकते हैं अगर आपकी कोई मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, ताज़े टमाटर मिल रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। परफेक्ट। और अब इसे हम पीस लेंगे। प्यूरी तैयार। परफेक्ट। इसके अंदर हम डालेंगे हमारी मिर्ची का पाउडर, ज़रा सी हल्दी, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप मोरक्कन स्टाइल जब आप खाएंगे शाक्शुका तो उसके अंदर हरीसा पेस्ट आती है और हरीसा के अंदर वही मसाले होते हैं जो हमारे गर्म मसाले में होते हैं, तो लिटरली वो हल्का सा गर्म मसाला आप डाल सकते हैं, टेक्निकली करेक्ट है।
ये देखिए, देखिए सारा खेल टमाटर का है। यहाँ पे सब्जियाँ चमकी हैं और ये टमाटर की प्यूरी है, ये इसे एक अच्छी बॉडी देगी। और एक साथ पकाइए, इसी के अंदर स्वाद अनुसार नमक, और इसे अब हम पकाएंगे। अब ऐसा नहीं पकाना कि जैसे मखनी की ग्रेवी बनाते हैं कि पकाते रहो, बस इतना पकाना है कि टमाटर का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। दैट इज ऑल। वाह जी वाह, देखो क्या बढ़िया तरीके से उबल रहा है, खोल रहा है। ना इस टमाटर के अंदर चुटकी भर चीनी डालते हैं। चीनी मीठा करने के लिए नहीं होती, फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए होती है। इसलिए ज़रा सी मतलब आप डालेंगे आपको स्वीटनेस नहीं आएगी, बट हाँ टेस्ट में इजाफा होगा। कच्चा फ्लेवर जो होता है टमाटर का बैठ गया है, परफेक्ट। अब आँच को करना हल्का और इसमें जाएगा अंडा, साबुत नहीं तोड़ कर दिखाता हूँ। अंडा को इस तरीके से तोड़ लीजिए पहले, ताकि कोई उसके अंदर अगर शेल गिर गया या अंडा ख़राब है तो उसे आप उसमें डायरेक्टली नहीं डालेंगे। गैस फ़िलहाल मैं थोड़ी सी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, हल्का सा यूँ डिप्रेशन बनाइए जगह अंडे को डालने के लिए, और इसमें जाएगा अंडा। गया जी, इसी तरीके से एक और अंडा। अब जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप अंडा डाल सकते हैं। एक और जगह बनी इसकी, और अब यहां पर गया अंडा, ये बनी जगह, ये गया अंडा। अब जी चॉइस है आपके पास, आप चाहें तो थोड़ा सा चीज इस पूरे शाक्शुका के ऊपर डाल सकते हैं। अब देखिए हर एक कंट्री का अपना अलग हिसाब है। किसी जगह आप जाएंगे तो आपको लोग सॉसेजेस डालते हुए मिलेंगे, कोई लोग हरीसा का पेस्ट डालते हैं, कोई लोग ऑलिव जैतून डालते हैं, कोई लोग गोट्स चीज़ डालते हैं, तो अपना अपना हिसाब है। कई लोग तो कीमा भी डालते हैं, और कई लोग क्या करते हैं इसकी पूरी मिक्स करके भुर्जी बना देते हैं और फिर उसे पकने देते हैं और फिर खाते हैं। सो टोटली अप टू यू, आपकी चॉइस है जी। ना सिंपली इसे हमें ढक देना है और इसे पकने देना है। 3 से 4 मिनट के अंदर अंडा जो है बिल्कुल पक जाएगा, पोच हो जाएगा अच्छे से, और ये डिश रेडी खाने के लिए। दैट्स इट। और जब तक ये पक रही है मैं आपको बताता हूँ शाक्शुका के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी। शाक्शुका का लिटरल मतलब होता है मिक्सचर, मतलब 4-5 चीज़ों को मिलाना। और शाक्शुका जो है वो मगरेब रीजन से है। अब मगरेब क्या है, सिंपल ये देखिए, यह है अफ्रीका का मैप। इसमें जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है उसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, तुनीसिया, मोरक्को और मोरिटानिया, इन कंट्रीज को एक साथ कहते हैं मगरेब कंट्रीज या मगरेब रीजन। हालांकि एक दो छोटी छोटी जगहें और भी आती हैं, बट प्राइमरीली यही हैं। और इस जगह से शाक्शुका बिलोंग करता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। लेकिन इसको बनाने वाले पहली दफ़ा शायद थे जूश इमिग्रेंट्स, जो इसराइल से अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आए और यहाँ सेटल हो गए। और यहाँ से जैसे जैसे फैले उनकी ये डिश उनके साथ साथ चलती गई। और हर एक रीजन की अपनी स्पेशलिटी है, किसी ने सॉसेज डाल दिया, किसी ने ड्राइड लेमन डाल दिया, किसी ने खीमा डाल दिया, किसी ने खूब सारा चीज़ डाल दिया, तो किसी ने क्या किया कि भाई अंडे डालने के बाद उसको सबको घुमा दिया और भुर्जी की तरह खा लिया। तो ये नहीं कह सकते कि किस कंट्री से, बट इसी रीजन से है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको आप पहले कभी किसी ज़माने में ब्रेकफास्ट में खाते थे, लेकिन अब ये ऑल डे डिश बन गई है। और इसको सर्व करते हैं एक बढ़िया सार्डो ब्रेड के साथ, और उसके साथ होती है एक मिंट वाली चाय, थोड़े सॉसेजेस, थोड़े से पिकल्ड वेजिटेबल्स, उसके साथ इसे सर्व किया जाता है। चलिए जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बता दी आपको, अब थोड़ा सा ताज़ा धनिया चॉप कर लेते हैं। ताज़ा धनिया इसमें इंपॉर्टेंट है, धनिया ना से पार्सले जाती है वैसे तो टेक्निकली, बट फ्लैट लीफ पार्सले या धनिया भी आप डाल सकते हैं, परफेक्टली ओके। साथ ही मेरे पास है थोड़े से ऑलिव्स,
इनको भी गार्निश के लिए तैयार रखते हैं। प्लस ये है हमारे पास ब्रेड, इसके स्लाइसेस काट लेंगे। बढ़िया सार्डो ब्रेड। अब आप इसको एज इज या फिर थोड़ा सा टोस्ट करके ऑलिव ऑयल डालकर इसके साथ सर्व कर सकते हैं, है ना। बढ़िया, तो चलिए हमारा इंतजाम पक्का है, शाक्शुका भी तैयार है। टाइम टू रिवील। ये देखिए, एग्स आर स्टिल रनी, ब्रिलियंट। इसी के ऊपर ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़े ऑलिव्स, थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स। शाक्शुका तैयार है, चलिए इसे परोसते हैं। और शाक्शुका टैन ये तो तैयार है, लेकिन अब इसे आपको घर पर पकाना है और मुझे बताना है नीचे कमेंट्स में कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा।